कांग्रेस नेता ने बदौर थाना प्रभारी जतन सिंह मंडलोई के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर सस्पेंड करने की मांग करते हुए एसपी राकेश सिंह सागर को दिया ज्ञापन। आक्रोशित कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पुलिस प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। 30 तारीख तक थाना प्रभारी मंडलोई के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाबूलाल यादव, विधायक विपिन वानखेड़े, प्रदेश कांग्रेस सचिव गुड्डू लाला, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीलेश पटेल, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष देवकरण गुर्जर, एनएसयूआई राष्ट्रीय सचिव अंकुश भटनागर, पार्षद देवेंद्र वर्मा, मीडिया प्रभारी अमित अजमेरा सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद थे। माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पुलिस की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिले के एसपी महोदय के पास मिलने के लिए आए थे, क्योंकि परसों बड़ौद थाने में जो मामला हुआ है उसी के संदर्भ में आज हम एसपी से मिलने के लिए आए थे। और एसपी साहब को हमने अवगत कराया है कि किस प्रकार से बड़ौद थाना के प्रभारी द्वारा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, किस प्रकार से मेरी एक विधायक के तौर पर किस प्रकार से उन्होंने मेरे साथ अपशब्दों का प्रयोग किया, किस प्रकार से मेरा अपमान किया और किस प्रकार से मुझे धुतकारने का प्रयास किया, उसी को लेकर आज हम जिले के एसपी महोदय के पास ज्ञापन देने के लिए आए थे, जिसको हमने मय प्रमाण वीडियो के साथ एसपी महोदय को बताया है। और साथ ही एसपी महोदय को ये भी अवगत कराया है कि अगर बड़ौद थाने के टीआई के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग आगर में आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे और लगातार जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पुलिस अधीक्षक आगर को जो आवेदन दिया गया, इसमें दो दिन पूर्व हमारे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एवं कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जो झूठी एफ आई आर दर्ज की गई थी, कल फिर से हमारे कांग्रेस के माननीय विधायक और ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के नेताओं के विरुद्ध जो एफ आई आर दर्ज की गई, इसको लेकर हमने आवेदन दिया। हमारे माननीय विधायक जब बड़ौद थाने पे गए तो बड़ौद थाना प्रभारी ने उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया, इसके विरुद्ध हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध किया कि बड़ौद थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित करें, उनको वहाँ से हटाया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी आगर जिले में 30 तारीख को सोमवार को उग्र आंदोलन करेगी। पूरे जिले के कार्यकर्ता नेता वहाँ पे इकट्ठे होंगे और पुलिस के खिलाफ आंदोलन कर अपना विरोध प्रदर्शन करेगी, साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में भी आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। यही हमने आज पुलिस अधीक्षक को आवेदन में बताया।